चलने वाले हैं, इसका मुझे स्टोरी डालना। और ये है मेरा फुल लुक फ्रेंड्स, एकदम समर के हिसाब से बहुत ज्यादा ढीला कंफर्टेबल। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और अभी हम निकलने लगे हैं लोनावला के लिए, तो चलिए चलते हैं। हम सब यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गए, मम्मी भी रेडी हो गई। आज तो मम्मी ने ऐसा लंबा सा वन पीस पहना हुआ है, तो मम्मी का लुक दिखाते हैं और फिर बाकी सबसे भी मिलाते हैं। अच्छी लग रही। अस्सलामुअलैकुम, हम लोग घूमने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है लोनावला जा रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है, काफी टाइम बाद जा रहे हैं, एक महीना हो गया। एक महीना हो गया काफी टाइम बाद। लोनावला तो जैसे से पड़ोस की जगह है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे कुछ और जाने में अच्छा तो लगता ही है। हेलो, बहुत मजा आएगा वहाँ जाके। मुझे तो बहुत खुशी लगी कि मैं घूमे जा रहा हूँ। ये नहीं बोलना कि अच्छा लग रहा है, ये नहीं बोलना कि बहुत खुशी हो रही है। बोल रही हूँ इस बार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इससे पहली बार एनुअल डे था तो मुझे ज्यादा नहीं मजा आई थी, इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छे से। चलो इसने थोड़ा घुमा फिरा के वैसे ही बोल दिया। ये देखो फ्रेंड्स की फोटो, हमारे मामू से पूछ लिया। ये हमने आप लोग से लिया था, आपने कुछ, तुम भी हमारे कार में ही जाओगी ना? हाँ, कुछ खाने का रखा है? हाँ, ड्राई फ्रूट रखे जो तुमने किस बार किस्मत भी रखनी है। क्या किया जाए, जब उल्टी नहीं हो रही यार, तो खाते हुए जाओ, अच्छे से जाओ, आसान हो। हाँ ठीक, तो फ्रेंड्स हम लोग बस निकलने लगे। हम लोग वड़ा पाव के चक्कर में लास्ट टाइम सबसे लेट पहुंचे थे, सबसे डांट मिली थी। सामने बिल्कुल दिख जाए तो जल्दी से दो तीन ले बस। मैं तो नहीं खाऊंगी मम्मी, मेरे को पेट में। कितने लोग हैं? सात लोग। ये डिसाइड हुआ है कि रेहान को वड़ा पाव दिला देते हैं, वरना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसको ट्रेवल में, कार में, ट्रेन में, इस तरह में कुछ न कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए। तो वो देखो पीछे से साथी था उसके बाद वड़ा पाव मिल गया फ्रेंड्स रेहान को। मेरे सामने वाली खिड़की लो भैया, जहाँ कभी ट्रैफिक नहीं मिलता आज वहाँ भी ट्रैफिक मिल गया। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए सबसे पहले, वो लोग अभी रुक गए हैं पापा को खाना खिलाने के लिए। अब तुम लोग का चालू हो गया रूम जाना। अच्छा है इधर, हाँ ट्रैफिक मिला है। अम्मा सही हो क्या? ओ कौन? आप इसमें जाओगी छोटे वाले में? अरे अरे एक बार ट्राई करते हैं। अभी रूम देखना, रूम का बाहर चल रही है, रूम चूज करके। सब लोग यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है कि बहुत सब कुछ खुला खुला है, झूले हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है ये वाला बंगलो। कम्बाइन नहीं है, अलग अलग। मेरा रूम कौन सा? इस बार मेरे साथ ऐसे मत करना। प्यारा है, सभी ऐसे ही हैं। वॉशरूम है इसके अंदर? हाँ, ये तो मुझे ऊपर रूम दे रहे हैं। आप देखते हैं ये लोग मुझसे मोहब्बत में ऐसा फैसला किया है या मुझे उल्लू बना के क्यों? ये तुम्हें ठीक है लग रहा है? सबसे बेस्ट रूम दिया है हम लोगों ने, वरना हम लोग ले सकते हैं। वॉशरूम है या नहीं है? वरना हमें दे दो, हम लोग ले लेंगे। नहीं नहीं, वॉशरूम दिखा। ठीक है, अंदर तो जाओ। कोई यहाँ के रहे अभी अभी लोग गए हैं ना। अच्छा ये अपने जैसा जैसे नीचे गए ना सेम। बहुत डेला वाली फील आ रही है, बहुत ही अच्छे से बनाया है। ये तो अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अच्छी लोकेशन है, तो मेरे पास ज्यादा फोटोशूट के कपड़े ही नहीं है। आईटी करना हो ना तो यहीं पे आ। यहाँ पर मुझे बस मुझे इनकी पार्टी देनी चाहिए। वही तो, और ये साउंड जब बजता है ना साउंड, अरे भैया क्या इतना डरती हो? क्या है डर? बोलो।
Nice. अभी ऊपर तो चलो मेन वो अंकल ने हम लोग को दिखा दिया, बोल रहे हैं आप लोग सबको दिखाओ, बोल रहे हैं रात की ना लाइट्स ऑन करा लेना ये रेलिंग की तो बहुत अच्छा लगेगा। यही पड़ी रहूंगी। अभी अभी कोई गया है यहाँ से। यहाँ पे जो टेरेस है वो बहुत ही अच्छी है, इतना अच्छा अलग से फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है आसमान में उड़ रहा है। कहाँ बंद थे और कहाँ खुले में आ गए ना। धूप है इसलिए हम अंदर जा रहे हैं, स्किन की थोड़ी केयर करनी चाहिए। यहाँ से टेरेस से पूल एरिया का व्यू, सीधा हॉल में निकलेंगे। सरप्राइज और मैंगो में बचपन वाली टॉफियां, ये तो देखी ना। आ रही है कि बस ऐसे मत करो, बोलेंगे कहाँ के आए। चॉकलेट्स हैं। हाँ मुझे लगा कि वो मार्बल्स हैं। मैं थोड़ी देर से लेती हूँ, रखिएगा। वेलकम ड्रिंक फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिल गए। इस बार मैं बहुत ज्यादा सुकून में हूँ कि मुझे बहुत अच्छा कमरा मिला। तुम लोगों को कैसे लगा मेरा कमरा? बहुत बहुत। भूख लगी, तुम्हें छोड़ के कोई कैसे खाएगा बेटा। अल्लाह कहाँ से सूरज निकला है। तो खाने में फ्रेंड्स रोटी थी, दाल थी, चावल थे, सब्जी थी और सब लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। लंच बहुत लेट हो गया 4 बजे और अम्मा को बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा है। और देखो यहाँ पे फिसल पट्टी देख के सारे लोग बच्चे बन गए। नाजा काला ने फिसला, भाई भी फिसल रहे हैं, उसके बाद शायद भाभी ने भी फिसला था, मुझे डर लगता है। उसके बाद मैं पी रही हूँ नींबू पानी। ठंडी लग रही है, इतनी गर्म है, बाहर बहुत ठंडा मौसम है। फिर से चाय आई है क्या? ठीकी बनवाई, फिर से बनवाई, दिल्ली भरा। अच्छा तुमने तो पी नहीं थी। चाय नहीं पी थी तो लगता है कुछ नहीं। चलो मुझे भी निकाल दो, चाय के नशेल जी। बिस्किट भी चाहिए। बिस्किट ढूंढने आए हम लोग फ्रेंड्स। किचन का? अच्छा वो बाहर से किचन से आए थे। बिस्किट है क्या? बिस्किट नहीं है। शाम के 6:30 हो गए हैं। एक बार चाय बनी थी तो मीठी बन गई थी तो हमें नहीं मिली थी, अब इस बार बनी है तो अभी हम पी रहे हैं। लेकिन बिस्किट मिल जाए तो सबको और ज्यादा अच्छा लग जाए। कोई सा भी बिस्किट है? मिल गए बिस्किट? हाँ पतली तो दिख रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। शाम का इंतजाम हो गया, चाय भी मिल गई है और बिस्किट भी मिल गया। तो इधर मुझे बैठने दो। पर इसमें झूल नहीं सकती तुम, जब मैं नहीं झूल सकती तो। मैं तुमसे छोटी हूँ। हाँ हाइट में तुम थोड़ी बराबर है, बराबर लेकिन बड़ी नहीं। ये फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। झूला, चाय, हवा और सामने पूल, सामने पूल, आसपास घर वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा ने मुझे झुला दिया है। वाह, मतलब मेरे पास अभी पैसे होते ना तो पहले की अम्मी कहती ना राजा महाराजा लोग होते थे, उनको कोई हाथ पैर दबाते थे, झुलाते थे, उन्हें सोने दे देते थे, हार दे देते थे। मेरे पास खजाना होता तो सारा के नाम हो जाता नहीं तेल में। लेकिन फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा। बस 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 अभी वापस खजाना, अभी खजाना वापस ले लो। वाह पूल से आ गए फ्रेंड्स। मैं तो जा ही रही थी, भले जबरदस्ती उनके ब्लॉग में आपने देखा होगा रेन डांस में खींच लिया, उसके बाद सब लोग आ गए और बहुत मजा किया। फ्रेंड्स अभी मैंने चेंज कर लिया और इतना अच्छा लग रहा है ना आज पूल में जाके, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा दिन भर स्पा डे में जाते हो, हेयर मसाज लेते हो, हेड मसाज लेते हो, बॉडी मसाज लेते हो, उससे भी ज्यादा सुकून आ रहा है। ऐसा लग रहा है सारे दिन का, इतने दिन का जो हैक्टिक शेड्यूल था सारा था वो निकल गया, बस यहाँ पे अभी हम लोग इंजॉय करने के लिए आए हैं और आराम करने के लिए आए हैं। इसीलिए ना फ्रेंड्स आज मैंने 3-4 घंटे के लिए फोन दूर रख दिया था, मैं कुछ भी नहीं चेक करी, कोई मेल्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा मैं सिर्फ इंजॉय करूंगी आज दिन भर और फिर कल से थोड़े बहुत काम है जैसे कि इंस्टाग्राम के फोटोशूट जो हमेशा रहते हैं वो करेंगे, अभी आज और मजा करते हैं। चलिए अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। चेंज कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी गलत तुम नहीं है, सारे ने भी चेंज कर लिया, रेहान ने भी चेंज कर लिया। लेट गई अम्मी, कितना मजा आया आज पूल में। नहीं दे रही अम्मी क्लेचर, मेरी खाला भी वो नहीं, सालू पी से बोल के मेरे पास क्लेचर है लेकिन मैं दे रही हूँ। इंतजाम से क्यों नहीं है, कहाँ तक दुपट्टा दे, प्लाजो भी लाइए, मेरा दुपट्टा भी लाइए, अब क्लेचर भी मांग रही है, बताओ। नहीं दे रही हो, जल्दी से नहीं, हम निकाल के मुश्किल से देती है। अल्लाह चल भी मिल गया। क्या बोल रहे थे?
बोल रही थी लाओ फिर दे ही दे। सॉफ्ट है, मैं बोल रही हूँ बेल्ट अगर कट जाए तो। फ्रेंड्स मैंने स्पेशली इसको ये इस बेल्ट की वजह से चप्पल दिलाई थी कि क्यूट लग रहा है बच्चे जैसा, और आके मुझसे कहती है कि मैं इसका पीछे का बेल्ट काट लूँ। इतनी प्यारी है, इतनी क्यूट, पहन के दिखाओ। दो मिनट लगते हैं, मतलब बेल्ट लगाने में तुम्हें आलस आ रही है ना? बेल्ट इसे मुझे लग रहा है मैं तुम्हारी ड्रेस पहन लूँ तुमसे लेके। क्यों? बहुत कंफर्टेबल लग रही है। मैं बहुत लूज, इसलिए मैं इस बार देख के ही लाई हूं। नाइट सूट नहीं लाई इस बार मैं। नहीं लग नहीं रही चप्पल। क्यूट लग रही हो। और बहुत बड़े खिलाड़ी। थोड़ा ऊपर रखो ये दीजिए। अरे नहीं, मैं फ्रेंड्स ये डाइट वाले चिप्स बोल के पूरा डब्बा चिपका रही है। ये डाइट वाले उसने बना लिए। हम क्रीम अनियन खाते हैं 10 वाला और ये इतना 300 का है, तो कुछ तो होगा ना शर्म। इसमें और दूसरे क्रीम अनियन में क्या फर्क है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों इतना महंगा है। इसमें लिखा है विटामिन डी, तो मुझे लगा रही बस विटामिन डी, आगे लिखा 0% विटामिन डी और देखो 0%। सारी डिस्कशन कर ली और अभी कंफर्म ही नहीं है कि इसका प्राइस 300 पड़ रहा है। अभी प्रिंगल्स खाएं विटामिन। गुड बच्चे, पढ़ाई कर लो। ये दाल है। हाँ ये दाल। पालक खाया करो। लेकिन उसमें पापा आपको बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारी फैमिली बैठ के डिनर कर रही है। कितना अच्छा लगता है सबके साथ बैठना। वालेकुम अस्सलाम बेटा रानू, कैसी हैं? आपको भी सब चेंज हो गया। फ्रेंड्स हम जहाँ भोपाल में रहते थे वहाँ पे हमारे ऊपर रहते थे रानू आंटी, उनका बेटा आदि, हम उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो उनसे बात करके अम्मी पापा रेहान बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। हम कब भोपाल जाएंगे? वालेकुम अस्सलाम, तो बहुत बड़े हो गए आवाज तो। क्या देख रहे हो? हम तो रोड है, इतनी देर से हमारे ये दिमाग में था शाम से कि ये रोड है, अभी चलेंगे तो घूम के आएंगे। अच्छा नहीं, ये तो बंगला है किसी और का। कोई लेने आओ। फ्रेंड्स ये लोग रात में छत में गए हैं और ये कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी आइए। हम तुम्हें अभी चाहे तो डरा सकते हैं। डरा रहे हो? रुको, डराते हो? देखो ये बाव नहीं, बड़ा वाला बाव करो। डीजे रखा हुआ, बढ़िया ऊपर औरतें हो। फंक्शन के लिए कितना अच्छा है। ऐसे करिए शायद लुप्पी, ऐसे फिर देखिएगा। अच्छा ये छुपाने के लिए लाइट बहुत है। नीचे इतना बड़ा हॉल है, उधर डांस करते रहेंगे। रात में रात भर यही डांस, फिर यही सो जाओ। 3,000 लोगों 3,000 लोग को हम जानते नहीं है। फिर से मुझे आइसक्रीम दिखा के मत ना जा। फिर पूरे हफ्ते मत खाना, ये अच्छी है, फिर खत्म हो जाएगी, 3 ही बची है। मैच देख रहे हैं पापा रूम में लेट के, उनका फेवरेट। हवा चल रही है। अम्मी आप क्यों नहीं आई छत पे? अभी कल चलेंगे ना दिन में। कल चलना। अम्मा अच्छी है आइसक्रीम? इसकी किस्मत है। अरे कैसे खा रही हो? वो हाथ से खा रही है। मैंने खा रही, पूरी टूट गई। इस वक्त 11:15 बजने वाला है, आधे लोग ऊपर छत में एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग छत से घूम के आ गए हैं। अम्मी की आइसक्रीम टूटी है तो अम्मी हाथ से आइसक्रीम खा रही है। तो फ्रेंड्स अब रिजा को देख के मेरा मन थोड़ा लालच में आ गया, आइसक्रीम खाती जा रही हूँ और वॉक भी करती जा रही हूँ। ये क्या है? क्या क्या है देखो नीचे अपनी टी शर्ट। तुम्हें क्या लगा? चाट लो। रिजा हम कहते हैं कि आप पढ़ाई में आधा देर व्हाट्सएप खोल के बातें करती हो, तो कहती है मैं नहीं करती। क्या कर रही थी? पढ़ाई। जो हमें दिख रहा था वो सच था या झूठ था? आंखों में क्या हम लोगों को कुछ और दिख रहा था? मोबाइल चला रही थी तो मोबाइल में तो पढ़ाई ट्राइंगल चैप्टर आ नहीं रहा, यूट्यूब से देख देख के पढ़ रही। सेम डायलॉग सारा ने पहले बोला, यही बोल रही थी तो पता है, क्योंकि मैं बोल रही थी व्हाट्सएप से फ्रेंड से कुछ मांग रही थी। पागल हो क्या? फ्रेंड से फ्रेंड से यही तो बोलती हूँ, डायलॉग है हमेशा का, या तो यूट्यूब या तो फ्रेंड से मांग रही थी और क्या। जब पढ़ाई का काम इसी चीज से होता है। अभी हमसे बोल रही थी कि जो तुमने समझाया वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर रात में वो समझा ये कहाँ से आ गया। बोल रही हूँ मुझे दो सम सिखा दो, बोल रही हूँ पढ़ाई हम करेंगे पूरा टाइम, तो इतना पूरे दिन में तुम आधे घंटे तो निकाल। अभी आप फोन चला रही थी। ठीक है तुम्हें लगता है हमें लगता ही है, अपने पास ही रखो। हाँ ठीक है, तुम तो कुछ करती नहीं हो। हाँ नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, आप तो पढ़ाई कर रही हो। बस आप तो मैं इस साल के बिग बॉस में दोनों को जरूर बुला लिया जाएगा। बेस्ट फ्रेंड इसको तू बोला तो
उसको ऐसा इग्नोर वाला स्माइली भेजा कि तू मुझे तू क्यों बोल रही, तुम क्यों नहीं बोलती, इतनी इतनी बात नोटिस करती है तो क्यों तू बोल रही है शादी में, गलत तो बात है। मुझे बोलती कि वो गलत, हमने नहीं बोला आपसे कोई तू सीरियस लग गए क्या। चलो अल्लाह हाफिज। मैं पहले वीडियो एडिट करने लगी थी, उसके बाद अभी आई आपको अल्लाह हाफिज कहने, अपना फेस वॉश करने, अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करने। फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ कल कोई नए मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज, आई लव यू।